परिचय देते बताइए कि आज आप प्रेस क्लब में आए हुए हैं, क्या मुद्दा है आप इस बात को लेकर, क्या परेशानी, क्या परेशानी है, पूरा मामला बताएं। सर हमारे लड़के की मदद कर दिया गया है, इसीलिए भाई आया है आपके पास। और घर से लड़का निकला था शौच के लिए, उसको रस मार के झाड़ी में छुपा दिया गया था, लाभ वहाँ गौरव अमनयान के बीच में मिला है। कब की घटना है ये? 9-7 को सर। कहाँ का मामला है ये? अयोध्या फैजाबाद का है, थाना रोना ही है। तो इस बात को लेकर आप किसी SSP या SP या इंस्पेक्टर से मुलाकात किए इस मामले को लेकर? जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? SP कप्तान के पास भी गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 5-6 बार एप्लीकेशन हम खुद लेके गए वहाँ से, कहते हैं ठीक है कार्रवाई हो गई, और कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा था। FIR हुई? हाँ हो गया था, वो भी बहुत काटे बड़े गिरे, तब फिर FIR लिखे थे वो भी। FIR में क्या लिखा है उन्होंने? FIR में लिखा है सीमा लड़की का नाम है, और लड़की के बाप का और हंसला प्रसाद उनके पारिवारिक मिल के मार दिए हैं लड़का हमारे। आपके लड़के को? जी। कौन विवेचना कर रहा है? विवेचना कौन कर रहा है? इसके अंदर में आपका एक केस जो है कौन से चौकी में है? SO के अंदर है, रोना ही थाना में है। क्या नाम है? क्या नाम? दीपेंद्र सिंह। और नागेंद्र पाड़े? और नागेंद्र पाड़े है, ये दोनों को मिली भगत है सर। और SP कप्तान के भी उसमें भगत होगा, हमारे वो भी उधर से दाम नहीं लग करते। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, किसको मैसेज देना चाहेंगे आप? तो पूरे दुनिया में भेजना चाहते हैं कि देखे हर आदमी हमारे लगे बहरेन में पीट पीट के मार दिए हैं। 19 साल के था, 18-19 साल के साथ। कोई आप इसी रंजिश थे या कोई मतलब दुश्मनी थी उनकी कोई इस तरीके से? नहीं मेरे तो कोई दुश्मनी नहीं थी। पहले क्यों मारा था उन्होंने, इसका पता आपको लग पाया? अभी लग पाया है, मोबाइल द्वारा निकला है। लड़की वहाँ थाने बयान भी दे रखा है कि हम शादी करने जाते थे, मेरा लड़का बोला कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के तो फिर शादी कर लूँगा। तो ये लोग क्या उसी दौरान उसको मार दिए।